हाँ भाई, ये अगला सेट होगा आपके लिए। ओके, इसमें भी हम लोग 50 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि इस प्रकार है। दोस्तों, सारा का सारा सेट आप देखें, जरूर फायदा होगा। आप एक दो सेट देखकर छोड़ देंगे, उसके बाद फिर आपको वो मुकाम नहीं मिलेगा जिसको कि आप प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि हर क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगा। क्योंकि दोस्तों, ये क्वेश्चन है, ये सब एक नहीं होते हैं, अनेक होते हैं। इसलिए सभी सेट बनाएंगे तो आप 100 में से कम 80-90 क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, तो सारा सेट आप देखें, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम सम्मिलित करने जा रहे हैं और करते हैं। ओके, तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। निम्नलिखित में से विश्व में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? तो दोस्तों, हाइड्रोजन है। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों, आंसर बताएं, श्रीमती एनी वसेंट। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? दोस्तों, 1 घंटा। कैंसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है केसर की? दोस्तों, कश्मीर में। द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों, आंसर सुभाष चंद्र बोस। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? दोस्तों, आंसर बी आर मेहता। वेव परिवर्तन की दर को कहते हैं? दोस्तों, आंसर तुरंत। लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक नाम है? दोस्तों, आंसर कल्ला। राज्य सरकार को प्रतिवर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने का प्रावधान भारतीय संविधान की किस धारा में है? दोस्तों आंसर अनुच्छेद 202। भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता? दोस्तों, आंसर महासागरीय धाराएं। जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? दोस्तों आंसर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। निम्न में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? दोस्तों, आंसर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सामान्य मानव शरीर का तापमान होता है और तापक्रम होता है? दोस्तों, आंसर इनमें से कोई नहीं। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र है? दोस्तों, आंसर पश्चिम बंगाल राज्य में। भारतीय संविधान के बृहत होने के कारण? दोस्तों आंसर इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। यहाँ मतलब कि भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसने कहा? दोस्तों आंसर सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन? दोस्तों आंसर असहयोग आंदोलन। निम्न में से कौन सर्वाधिक प्रज्वलनशील है? दोस्तों आंसर नाइलोन। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है? दोस्तों आंसर आर्गन। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? दोस्तों आंसर आयोडीन। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है? दोस्तों आंसर यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दें
दोस्तों अगला क्वेश्चन, रक्त में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? दोस्तों आंसर 91.91%। आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? दोस्तों आंसर पते का प्रमाण। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसकी प्रयोग में लाया जाता है? दोस्तों आंसर एक्सरे, एक्स किरणें। निम्नलिखित में से कौन सबसे लचकदार होता है? दोस्तों आंसर रबड़। अगला क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? दोस्तों आंसर राष्ट्रपति द्वारा। रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम है? दोस्तों आंसर स्फिग्नोमैनोमीटर। दोस्तों अगला क्वेश्चन, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है? दोस्तों आंसर बुध। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? दोस्तों आंसर शुक्र। अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया? दोस्तों आंसर वीर सावरकर। सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? दोस्तों आंसर बुध। निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों आंसर ऑस्ट्रेलिया। निम्न में से बिहार के कौन सा शहर को नगर निगम का दर्जा प्राप्त नहीं है? दोस्तों आंसर सहरसा। मक्के की खेती की जा सकती है? दोस्तों आंसर खरीफ के मौसम में। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? दोस्तों आंसर सूचना का अधिकार। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? दोस्तों आंसर नवीन मोड़दार पर्वत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? दोस्तों आंसर दक्षिणी अमेरिका। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके उत्तरदायी है? दोस्तों आंसर लोकसभा के प्रति। रेडियो एक्टिविटी को मापा जाता है? दोस्तों आंसर गाइगर मुलर काउंटर द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सही नहीं है? दोस्तों आंसर 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित है? दोस्तों आंसर मध्य प्रदेश। क्वाका रेली साइमंड द्वारा जारी टॉप 200 यूनिवर्सिटी की सूची में भारत के कितने इंस्टीट्यूट को स्थान दिया गया है? दोस्तों आंसर B3। भारत के विदेशी मुद्रा कोषों में सर्वाधिक अंश निम्नलिखित में से किसका होता है? दोस्तों आंसर विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? दोस्तों आंसर चेन्नई। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? श्रेष्ठा। अगला क्वेश्चन, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क के प्रकाश के लिए प्रयुक्त होती है क्योंकि? दोस्तों आंसर इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। अगला क्वेश्चन, सूअरों के मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना
किसके उन्मूलन में सहायक है? दोस्तों इंसेफ्ट, जापानी इंसेफ्लाइटिस। ओके, थोड़ा सा कठिन नेम है। कौन सा सुमेल नहीं है? जो गलत है सुमेलित उसका आंसर देना है। दोस्तों कटनी कागज, ये सुमेलित नहीं है। शब्द क्यू का संबंध किस खेल से है? दोस्तों इंसर बिलियर्ड्स। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है? दोस्तों इंसर नतोदर दर्पण। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार? दोस्तों इंसर मूल अधिकार है। डोनवास क्षेत्र प्रसिद्ध है कोयला के लिए? दोस्तों कोयला के लिए। निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना व्यक्तिगत खाता नहीं खोल सकता है? दोस्तों इंसर भारतीय रिजर्व बैंक में। तो दोस्तों इस सेट में भी हम लोग 53 क्वेश्चन देखे हैं। दोस्तों 53 क्वेश्चन बहुत ही अपने आप में इंटरेस्टिंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब क्वेश्चन है। दोस्तों जरूर से जरूर आप इन्हें दोबारा देखें दोस्तों, क्योंकि यही सब एग्जाम में पूछा जाता है और प्रश्न पता नहीं चलता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।